हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फोर्थ क्लास किड्स. वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड वेलकम बैक टू अवर 17th सेशन. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर. सो चिल्ड्रन, स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. सी चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी रीडर एंड विच क्लास इट इज? फोर्थ. एंड व्हाट्स इट्स नेम? बाल सुमन. आर यू रेडी विद दिस रीडर? ओके, नाउ ओपन योर रीडर. सो चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास? विच लेसन इज गोइंग ऑन? आई विल रिमेंबर दिस. I think we finish our fourth lesson in our previous class, okay? Exercise with and reader part till page number 21, okay? We finish our till page number 21 in our previous class. So today we'll start our new lesson, fifth lesson. So come to our page number 22, page number 22, lesson number 5, lesson name Prakriti Ka Sandesh. So lesson name kya hai hamara? Fifth lesson name Prakriti Ka Sandesh, okay? Prakriti means नेचर, कुदरत, ठीक है. पा को पदेन की मात्रा, प्र काकुरी की मात्रा, ताको छोटी की मात्रा. प्रकृति का संदेश, सा को अनुस्वर की मात्रा, सन, दाको एक ही मात्रा, शा, संदेश. प्रकृति का संदेश, ये कुदरत का एक संदेश है, यानी कि मैसेज है, ठीक है. तो चलिए, क्या मैसेज है प्रकृति का, नेचर का? हम ये हमारी कविता है बच्चों, ठीक है. ये कहानी नहीं है, कथा नहीं है, ये एक कविता है. प्रकृति का संदेश यानी कि एक पोएम है, ओके. सो कम टू पेज नंबर 23. तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर ये कविता में पढ़ेंगे कि प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है, कुदरत नेचर जो है हमें क्या मैसेज दे रही है, ओके. सो कम टू पेज नंबर 23 एंड कीप योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ पर्वत. पर्वत मीन्स माउंटेन, पहाड़, ओके. शीश, गिरी, जो पहाड़ होता है, माउंटेन होता है, उसे हिंदी में पर्वत भी बोलते हैं, पर्वत भी बोलते हैं, शीश भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं, ओके. तो कई सारे नाम हैं इसके हिंदी में. तो देखिए, पर्वत मीन्स पहाड़. तो पहाड़ क्या कह रहा है बच्चों, पर्वत क्या कह रहा है हमसे कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. पर्वत क्या कह रहा है हमसे कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. शीश मीन्स सिर यानी कि हेड, ओके. जिस तरह से पर्वत का सिर यानी कि पर्वत का शीश ऊंचा रहता है, उठा हुआ रहता है. देखिए आप, जैसे कि पहाड़ जो है उसके शीश जो है कितने ऊंचे ऊंचे रहते हैं ना. देखिए वहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि पहाड़ का शीश जो है सिर कितने ऊंचे ऊंचे रहते हैं, है ना. पहाड़ की चोटी इतनी ऊंची रहती है. तो देखिए, इसी तरह से पर्वत भी हमें यही मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. जिस तरह का पर्वत का शीश ऊंचा है, वैसे ही पर्वत जो है हमें संदेश दे रहा है कि तुम भी शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, ओके. तो ये पर्वत हमें संदेश दे रहा है. नेक्स्ट देखिए, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. सागर, यहाँ पर जब चित्र में देख सकते हैं कि सागर की लहरें बह रही है ना, यहाँ पर है ना, ये पर्वतों में से सागर बह रहा है, सागर का झरना बह रहा है ना. तो देखिए, सागर क्या कह रहा है हमसे, सागर में समुद्र, ओके. तो देखिए, सागर क्या कहता है बच्चों, लहराकर मन में गहराई लाओ. लहराकर, लहराते हुए हमारे मन में, मन यानी कि हार्ट, हृदय में गहराई बढ़ाने के लिए कह रहा है. जिस तरह से सागर का गहराई कितनी अंदर रहती है ना, डीप में रहता है ना सागर, कितना डीप रहता है वो, ठीक है. तो इस तरह से सागर भी हमें हमारे मन में गहराई लाकर, लहराकर मन में गहराई लाने को कह रहा है. चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ पृथ्वी. पृथ्वी मीन्स धरती, ज़मीन, ओके, अर्थ. देखिए, तो पृथ्वी हमसे क्या कह रही है बच्चों, हमारी ज़मीन हमसे क्या कह रही है कि पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो. धैर्य मीन्स धीरज यानी कि पेशेंस, सब्र. पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार. हमारे सर पर कितना भी बोझ, भार यानी कि वजन, बोझ, वेट, कितना भी हो, कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी हों दो, कितना भी भार हों दो, हमें धैर्य यानी कि पेशेंस यानी कि सब्र, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए. जिस तरह से देखिए कि पृथ्वी पर कई सारा भार है, बहुत सारा भार है, बोझ है, वजन है, फिर भी वे धैर्य नहीं छोड़ती है, यानी कि पेशेंस, धीरज नहीं छोड़ती है. तो इसी तरह से पृथ्वी भी हमसे क्या कह रही है, कितना ही हो सिर पर भार, धैर्य ना छोड़ो तुम कभी भी, ठीक है. पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, ठीक है. तो
तो पृथ्वी का संदेश ये है बच्चों हमारे लिए। नेक्स्ट लास्ट नेक्स्ट देखिए, नब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो नब क्या कहता है बच्चों, नब मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ नब। नब यानी कि आकाश, ठीक है, स्काई। तो बच्चों नब क्या कर रहा है, नब क्या कह रहा है, नब यानी कि आकाश, आसमान, स्काई, गगन, अंबर, कई सारे नाम हैं इसके नब के, स्काई के। देखिए तो नब क्या कहता है बच्चों हमसे कि फैलो तुम इतना के ढक लो तुम सारा संसार। देखिए जिस तरह से नब पूरे संसार पे फैला हुआ है ना, आसमान आकाश पूरे संसार में फैला हुआ है, तो जिस तरह से वे फैला हुआ है उस तरह से हमें भी यही संदेश दे रहा है कि तुम इतना फैलो कि सारे संसार को ढक लो तुम, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से प्रकृति का ये संदेश है हमारे लिए कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों इस तरह से ये कविता हमें मैसेज संदेश देना चाह रही है कि जिस तरह से पर्वत शीश उठाकर ऊंचे बनने बनता है उसी तरह से हमें भी ये संदेश दे रहा है ना। तो देखिए इस तरह से हमें प्रकृति का ये संदेश है बच्चों, इस तरह से इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, पृथ्वी प्रकृति जो है हमें, प्रकृति जो है हर विभिन्न तरीक़ों से हमें संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है। तो हमें इससे प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए, यानी कि एनकरेज होना चाहिए इससे भी, ठीक है, इंस्पायर होना चाहिए। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड अवर एक्सप्लेनेशन, सो कम टू अवर वर्क चिल्ड्रंस। देखिए आज ये हमारा लेसन एक्सप्लेन हो गया है, तो आज आपको आपके नोट्स में क्या वर्क करना है, देखिए हमारा जो फिफ्थ लेसन है प्रकृति का संदेश, इसके आपको मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड लेसन नंबर, लेसन नेम, फिफ्थ लेसन प्रकृति का संदेश। चलिए आपको ये लेसन में आपका फर्स्ट बिट क्या है, शब्द अर्थ यानी कि वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट देखिए पर्वत यानी कि पहाड़, सेकेंड सागर समुद्र, थर्ड मन हृदय, फोर्थ शीश सिर, फिफ्थ धैर्य धीरज, सिक्स्थ भार वजन, सेवन्थ नब आकाश। पर्वत पा र व त, पर्वत पहाड़, पा हाकुआ की मात्रा र पहाड़, सेकेंड सागर, साकुआ की मात्रा ग र सागर, समुद्र सा माकु की मात्रा दाकुपदेन की मात्रा समुद्र, थर्ड मन मा न मन, हृदय हाकु री की मात्रा द य हृदय। देखिए यहाँ पर देखिए ये हा हा अक्षर है ये, कि हाँ यहाँ पर जो हमारी री की मात्रा होती है, ये इसकी री की मात्रा जो होती है ना बच्चों, ये री का सिंबल है, ठीक है। तो देखिए रा को हाँ को यहाँ पर हम री का सिंबल इस तरह यहाँ पर लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो देखिए ये हा को री की मात्रा दा या हृदय है, ओके। मन यानी कि हृदय हार्ट, फोर्थ शीश सिर, शा को बड़ी की मात्रा शा शीश सिर, सा को छोटी की मात्रा र सिर, धैर्य धाकु आई की मात्रा र या धैर्य धीरज, धाकु बड़ी की मात्रा र या धीरज, सिक्स्थ भार भाकुआ की मात्रा र भार, बाको की मात्रा जा बोज, सेवेंथ नब न भ नब आकाश, आ काकुआ की मात्रा श आकाश स्काई, ओके। सो चिल्ड्रेन दिस इज अवर फिफ्थ लेसन वर्ड्स मीनिंग, राइट डाउन दिस वर्ड्स मीनिंग वन टाइम इन योर हिंदी नोट्स। सो कम टू अवर नेक्स्ट बिट, सेकेंड बिट, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, सागर क्या कहता है। तो बच्चों हमारी हम कविता जो पढ़े ना प्रकृति का संदेश, इसमें सागर हमसे क्या कहता है, लहराकर मन में गहराई लाने को कहता है ना, पढ़े ना हम कविता में। उत्तर देखिए, सागर लहराकर मन में गहराई लाने को कहता है। साकुआ की मात्रा गारा, सागर लहरा कर लहा, राकुआ की मात्रा कर लहरा कर, माना मन, माकुए की मात्रा में मन में गहराई, गह राकुआ की मात्रा ई गहराई, लाने को, लाकुआ की मात्रा नाकुए की मात्रा लाने को कहता, कह कहता, कुआ की मात्रा ता कहता है, हाकुआ की मात्रा है। तो जो ये था हमारा पहला उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, नब क्या कहता है, नब नब यानी कि आसमान, क्या कहता है बच्चों आकाश के, तुम फैलो इतना कि तुम ढक लो सारा संसार। नब क्या कहता है, उत्तर देखिए, नब फैलकर सारे संसार को ढक लेने को कहता है ना, फैलकर फैलो इतना तुम के ढक लो सारा संसार, नब फैलकर सारे संसार को ढक लेने को कहता है। ये था हमारा दूसरा उत्तर। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, पर्वत से हम क्या सीखते हैं, पर्वत पहाड़ से हम क्या सीखते हैं बच्चों, शीश उठाकर ऊंचे बनने को, बन जाना सीखते हैं, है ना। देखिए उत्तर, पर्वत से हम शीश उठाकर ऊंचे बनना सीखते हैं, है ना।
पर्वत से पर्वत की तरह हम भी शीश उठाकर ऊंचे बनना सीखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के स्थान पर तुम होते तो क्या संदेश देते। पृथ्वी के स्थान पर अगर आप होते, पृथ्वी की जगह पर आप होते तो क्या संदेश देते आप बच्चों। तो देखिए, पृथ्वी के स्थान पर हम होते तो हर परिस्थिति में धैर्य रखने का संदेश देते। हर मुसीबत में, हर परेशानी में, कठिनाई में हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, है ना। तो हम भी पृथ्वी के स्थान पर होते तो हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने का संदेश देते। ओके, सो चिल्ड्रन आर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर एंड व्हाट्स मीनिंग वन टाइम इन योर हिंदी नोट्स, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट चिल्ड्रन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर। सो इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर रीडर वर्क। ओके, सो इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।